बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC 64वीं सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। इसमें ओम प्रकाश गुप्ता ने परीक्षा में टॉप किया है, कई और लोगों ने टॉप किया है। ऐसे ही एक टॉपर की बात हम आपको सुनाएंगे। सारण की बेटी ने BPSC 64वीं एग्जाम में बाजी मारी है। सारण जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत महाराजगंज पंचायत के लोधीपुर चिरांद की रोहिणी आनंद ने सफलता प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। आप समझिए किस तरह से एक लड़की के लिए घर से बाहर निकलकर पढ़ना और BPSC में अपना रैंक लाना बड़ी बात होती है। रोहिणी आनंद है, एक छोटे से गांव से आती है सारण के, और उन्होंने टॉप किया है, समझिए BPSC क्वालिफाई किया है। उनके पिता पूर्व मुखिया रमेश प्रसाद यादव तथा माँ आरती देवी को का जो है खुशी का ठिकाना नहीं है। BPSC निकाली है जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवपूर्ण महसूस हो रहा है। बेटा से भी बढ़कर मुकाम हासिल की है। किस तरह का आपकी तरफ से इनकारती थी आप? मैं इसको हमेशा बोलती थी पढ़ो, डरो नहीं, पढ़ो, आगे बढ़ो, एक ना एक दिन सफलता मिलना ही है। सो मिला, मेरे 5 बच्चों में 1 बच्चा हासिल की, और सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं। 2 बच्चे की शादी हो गई है और 1 बेटा है बिजनेसमैन है, तो उसमें ये सबसे। रोहिणी का कितने बाल बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। तो रोहिणी के कौन सा नंबर है? 3 नंबर में है। ऑब्वियस बात है, अगर किसी के बच्चा अगर टॉप करता है और BPSC UPSC क्वालिफाई करता है तो कहीं ना कहीं खुशी इतनी हो जाती है कि उसका ठिकाना नहीं रहता। मिठाइयां परोसी जा रही है, आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और आखिर क्या बोल रही है लड़की, किसको वो श्रेय दे रही है रोहिणी आनंद, सुनिए। तो सुसाथ है और सफलता के श्रेय माता पिता गुरु परिवार दोस्त सभी को जाता है। सब अपने अपने स्तर से जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ सपोर्ट मिला है सबका। किस तरह की तैयारी थी आपकी? सिविल सर्विस की तैयारी तो जो कठिन होती है, कभी कभी आदमी डिमोटिवेट भी हो जाता है, बट उसमें खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हुए मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को ऊपर ले जाना है, तो तैयारी करते हैं। क्या मैसेज देंगे और छात्राओं को आप? मैसेज ये होगा कि निराश नहीं होना है, अगर एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है। शुरू करने में, किसी भी काम को शुरू करने में ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, बट धीरे धीरे वो चीज़ें ईजी हो जाती है और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाएगा उससे। रोहिणी 10वीं की पढ़ाई AND पब्लिक स्कूल खलपुरा से 2008 में की, जबकि 12वीं की परीक्षा संजय गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज छपरा से, स्नातक JPM कॉलेज छपरा और पोस्ट ग्रेजुएट ANU पटना से की है। के उपरांत वह दिल्ली में रहकर BPSC की तैयारी कर रही थी और आज सफलता भी मिल गई है। उसका चयन कल्याण विभाग पदाधिकारी के पद पर हुआ है।